दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में कई ऐसी उपलब्धियों को हासिल किया है जो कि काफी सराहनीय है। लेकिन अब भारत को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर हमें वैश्विक समीकरणों से हटकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करना है तो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत के लिए काम करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके तहत भारत अब एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। क्योंकि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की साइडलाइन में मीडिया को संबोधित करते हुए भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब भारत परमाणु पावर प्लांट का निर्माण करने के लिए तेजी से पब्लिक सेक्टर कंपनियों को भी साथ लेने वाला है, जिससे भारत काफी तेजी से न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कर सकेगा। साथ ही पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने की योजना की वजह से भारत अपनी एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी तेजी से बढ़ा सकेगा, जिससे हम हमारी ऊर्जा जरूरतों को और भी ज्यादा सुनिश्चित कर सकेंगे और हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट की फ्लीट का विस्तार काफी जल्दी किया जा सकेगा। यानी कि यह फैसला हर तरह से भारत के विकास के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। दरअसल आज से 5 साल पहले यानी कि साल 2017 में ही भारत सरकार ने इस बात का फैसला कर लिया था कि हम काफी बड़ी संख्या में परमाणु पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसके तहत एक ही बार में 700 मेगावाट की क्षमता वाले 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के प्लान को अप्रूव कर दिया गया और इस साल यानी कि 2023 में इन सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट की फ्लीट मोड में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वहीं पर इनमें से कई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम काफी समय से चल रहा है, साथ ही इस प्रोजेक्ट में काफी प्रगति भी हासिल की गई है। लेकिन साल 2023 भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस साल भारत की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है कि हम इस क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेंगे, जिसे पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनियों को भी साथ लाना भारत का काफी अच्छा फैसला है। वहीं पर मौजूदा समय में भारत न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पर लगभग 6780 मेगावाट की ऊर्जा पैदा कर सकता है, लेकिन भारत ने ये योजना बनाई है कि इस क्षमता को साल 2031 तक बढ़ाकर लगभग 15700 मेगावाट तक कर देंगे, जो कि 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। यानी कि ये बात तो साफ है कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर काफी उत्साहित है और इसमें महारत हासिल करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तेजी से और सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भारत अमेरिका के साथ भी न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार काफी बड़े पैमाने पर कर रहा है, जिसके तहत द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका भारत के अंदर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करेगा, जो कि दोनों देशों के संबंधों और न्यूक्लियर एनर्जी में साझेदारी के विस्तार के लिए काफी अच्छी खबर है। हालांकि हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर एनर्जी काफी सक्षम स्रोत है और इसका इस्तेमाल हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों की आपूर्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफी उच्च स्तरीय विकास की जरूरत है, जिसके लिए हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कई अरब डॉलर खर्च करने होंगे, जो कि हमें उच्च स्तर के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विकास करने में मदद करेंगे, जिसके लिए हमें तेजी से कदम आगे बढ़ाने चाहिए। बहरहाल, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, साल 2023 की शुरुआत काफी धमाकेदार हुई थी, जिसके तहत भारत ने 4 से 5 जनवरी के बीच में एक शक्तिशाली मिसाइल के परीक्षण करके चीन और पूरी दुनिया को ये बात साफ कर दी है कि 2023 में भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने वाला है। और अब इसी की कड़ी में भारत ने इस साल के दूसरे मिसाइल परीक्षण की चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसके तहत एक नई एरिया वार्निंग जारी करते हुए भारत ने इस बात की जानकारी दी है कि 10 से 11 जनवरी के बीच में भारत एक और मिसाइल का परीक्षण करेगा और इस परीक्षण के लिए लगभग 375 किलोमीटर के इलाके के लिए एरिया वार्निंग जारी की गई है। यानी कि जिस भी मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा उसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक की होने वाली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह परीक्षण किसी एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम का हो सकता है। वहीं पर जिस तरह से साल 2023 के मात्र 15 दिनों के अंदर ही भारत ने 2 शक्तिशाली मिसाइलों के परीक्षण की चेतावनी जारी कर दी है, इससे ये बात साफ हो चुकी है कि ये साल भारत के मिसाइलों के लिए काफी धमाकेदार रहने वाला है, जिससे हर बार भारत, चीन और पाकिस्तान को इस बात का एहसास कराएगा कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें मौजूद है जो कि मात्र कुछ ही घंटों में उनके सभी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मिसाइलों के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की मिसाइल क्षमता ने चीन की सोच से भी अधिक विकास हासिल किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इससे हम हमारे भविष्य में विकसित किए जाने वाले मिसाइलों का रास्ता भी साफ कर देंगे, जो कि भारत के लिए काफी अच्छा कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।